हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। 5 मिनट रेसिपी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बनाएंगे खट्टी तीखी चटपटी एक रेसिपी। ये मारवाड़ी रेसिपी है जिसका नाम है मिर्ची के टिपोरे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मिर्ची के टिपोरे बनाने के लिए हमको चाहिए हरी मिर्ची, थोड़ी तीखी वाली मिर्ची यहाँ पर लेनी है हमको, और उनको हम पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस आपको ज़्यादा ना मोटे करने हैं ना ज़्यादा पतले करने हैं, आप देख सकते हैं साइज़ इनका, और जितना हो सके इनके बीच आप निकाल लीजिए। सो मिर्ची यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ली है। कढ़ाई में डालेंगे तेल, 2 बड़े चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ और हींग। जीरा सौंफ के अच्छे से चटक जाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मिर्ची, करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। मसाले ऐड करेंगे, एकदम बेसिक से मसाले, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें जाएगा पिंक सॉल्ट। अच्छे से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। 2 मिनट के लिए इसको मसालों में हम कुक होने देंगे ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। और 2 मिनट इसको कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही से सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी लगती है ये मिर्ची। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ये साथ में ले जा सकते हो। 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे दही, करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। अब दही जब तक अच्छे से कुक नहीं हो जाता है तब तक हम इसको मीडियम पे कुक करेंगे। दही एकदम से गायब हो जाएगा, जो मिर्ची है वो सारा फ्लेवर खींच लेगी। तो इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से कुक करेंगे और जो ऑयल है वो साइड्स पे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप घर पे मिर्ची तो सबके अवेलेबल होता ही है। अगर आपको चटपटा खाने की इच्छा हो रही है रोटी के साथ कुछ, तो ये मिर्ची के टिपोरे आप ट्राई करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। सो 2 मिनट हो गए हैं और जो मिर्ची है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है। ऑयल जो है वो साइड्स पे निकल गया है, आप देख सकते हैं जो ऑयल के है वो बबल्स बन रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और सुपर डिलीशियस, सुपर इजी हमारे मिर्ची के टिपोरे बनके रेडी हो गए हैं। गाइस, जितना यूनिक इसका नाम है उतना ही टेस्टी ये लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।